bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum the poem that we are going to discuss today is once upon a time by gabriel okara but before we discuss this poem you are humbly requested to subscribe to my channel and press the bell icon let's see who the poet is the poet is gabriel emo motimi okara he was born in 1921 and he died in 2019 he was a nigerian poet and novelist and one of the first modern african poets he is conceded to be an original poet ab original poet se kya hai he was not influenced by the other poets uska apna style gabriel ka और Gabriel उसी स्टाइल में पोइट्री किया करते थे उनके स्टाइल स्टाइल ऑफ पोइट्री में दूसरे पोइट्स की रिफ्लेक्शन नहीं मिलती थी। दैट्स थीरियज इनडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन नाइजेरिया जो है वो ब्रिटेन uh, कॉलोनी रहा है और फिर बाद में इसको आजादी मिली तो आजादी के बाद भी इससे लगता था कि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन उनके छोड़े हुए कल्चरल ट्रेंड्स रह गए हैं लोगों में हिपोक्रेसी है लोगों के अंदर जो है वो खलूस जो है वो खत्म हो गया है लोग खोखले हो गए हैं तो ये चीज इसको बहुत इरिटेट अनॉय कर रही है तो वो जो कल्चरल डिफरेंस या यूं कहना चाहिए कल्चरल करप्शन वो महसूस कर रहा है उसके अगेंस्ट या उसको हाईलाइट करने के लिए उसने ये पोएम लिखी है

वो अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर रहा है कि वो कैसा महसूस करता है कि मुल्क तो आजाद हो गया है लेकिन कल्चर अभी तक जो है अंग्रेजों के ही शिकंजे में है अफ्रीकन सोसाइटी की ऑब्वियसली बात हो रही है इसमें मूड जो है नोस्टालजिक है क्योंकि ये अपने अच्छे वक्त को याद करके परेशान हो रहा है सेंटिमेंटल हो रहा है कि वो वक्त ज्यादा अच्छा था लोगों में खलूस था लोगों में अपनाइत थी जो कि खत्म हो गई है And this poem was published in 1978 in The Fisherman's Invocation. Let's see what the stanza one reads. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. एक वक्त था मेरे बेटे लोग दिल से हंसा करते थे और उनकी मुस्कुराहटे उनकी जगमगाती आंखों से जाहिर हुआ करती थी उनकी आंखें बताया करती थी कि वो वाकता आपसे मिलकर खुश हैं लेकिन लोग अब ऐसा नहीं करते करते अब जब वो मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट में मुनाफिकत होती है क्योंकि सिर्फ उनके दांत दिखते हैं उनकी आंखों में खुशी नहीं होती उनकी आंखों में सर्द रवैया होता है जो बताता है कि दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल उसके अंदर जो है वो गर्म जोशी नहीं होती जो पहले लोगों की निगाहों से छलका करती थी ठीक है और जब लोग मिलते हैं तो दे सर्च बिहाइंड माई शेडो इट मीन के वो मेरा स्टेचर देखते हैं मेरा सोशल स्टेटस देखते हैं जब वो मुझसे मिलते हैं और जब वो मुझसे मुस्कुराते हैं यानी कि लोग अब जब मिलते हैं मुस्कुराते हैं तो वो आपसे मिलना पसंद जब करते हैं आपके लिए मुस्कुराना जब पसंद करते हैं जब वो आपके फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस को समझते हैं इस काबिल के वो आपसे मिले और पहले लोग ऐसे नहीं थे पहले लोग बहुत सिंपल थे बिल्कुल रियल थे और उनके दिल में खलूस था देर वॉज अ टाइम इन दे यूज टू शेक हैंड विद हार्ट बट दैट्स गॉन सान उट हार्ट लेफ्ट था एक वक्त था हमारे मुल्क में जब लोग जब हाथ मिलाया करते थे तो वो खुले दिल से मिलाया करते थे लेकिन वो वक्त जा चुका अब जब लोग हाथ मिलाते हैं तो दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट यानी कि उनका दिल उसमें शामिल नहीं होता उनका अमल तो बड़ा कर्टियस लग रहा होता है लेकिन उनका दिल उनका मिजाज उसमें शामिल नहीं होता और उसके अंदर हिपोक्रेसी जो है वो दिख रही होती है तो आउट ऑफ हिपोक्रेसी लोग आपसे मिलते हैं मिलते वक्त तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन उनका जो दिल होता है वो खुशी से खाली होता है खुशी से आरी होता है और दोबारा शायर यहाँ पे बता रहा है कि जब लोग आप मिलते हैं तो वो चेक करते हैं आपके एम टी पॉकेट्स को यानी कि वो चेक करते हैं कि क्या आपका स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस हाई है अगर फाइनेंशियल स्टेटस हाई है तो वो शायद खुशी का इजहार करें अदरवाइज जब वो मिलते हैं तो खोखले दिलों के साथ मिलते हैं और जो मुसाफिया करते हैं जो हाथ मिलाते हैं वो भी खोखला होता है वो भी सिर्फ दिखावे के लिए होता है अब देखिए ये ये जो फ्रेजेस हैं फील एट होम कम अगैन एक्सप्रेशन हैं इसको इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ इट के लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जरा आप कंफर्टेबल महसूस कीजिए दोबारा आए हमारे यहां लोग इस तरह की वेलकमिंग बात करते हैं लेकिन कहते हैं व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस विल बी नो थ्राइस वो कहता है कि जब मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और यहां पर आता हूँ लोगों, लोगों के यहाँ एक बार आता हूँ दो बार आता हूँ दो बार के बाद मुझे मजीद वेलकम नहीं किया जाता और जो दरवाजे होते हैं मुझ बंद कर दिए जाते हैं यानी कि जो लोग जो है अः रस्मिया तौर पर यह बात कहते हैं कि भाई आप इसे अपने ही घर समझें दोबारा आइएगा ये सारी बातें सिर्फ लफ्जों के हद तक है इसका मकसद इसका मायने कतई तौर पर कुछ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ रसमन कहा जाता है लोग नहीं चाहते कि आप बार बार उन्हें जाके विजिट करें आप बार बार उनसे जाके मिलें और जब आप उनसे मिलें तो उस जगह को अपनी जगह समझें और वहां पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग उसे बर्दाश्त अब नहीं करते सो है थिंग्स आई हेव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस होम फेस ऑफिस फेस स्ट्रीट फेस होस्ट फेस कॉकटल फेस विथ ऑल दियर कंफॉर्मिंग स्माइल लाइक स्म तो कहता है कि यही मुनाफत मैंने भी सीख ली है यही हिपोक्रेसी मैंने भी सीख ली है बेटा मैंने सीख लिया अपने चेहरे पर मुख्तलिफ चेहरों को सजाना ड्रेसेस की तरह जैसे घर वाला चेहरा अलग है ऑफिस जो में जो चेहरे पर लुक है वह अलग है सड़क पर चलते हुए चेहरे की लुक अलग है जब मैं मेजबान हूं तो मेरी लुक अलग है मेरा चेहरा अलग है जब मैं कॉकटेल पार्टी में हूं तो वहां मेरा फेस अलग है विद ऑल दियर कंफॉर्मिंग स्माइल्स और हर जगह के लिहाज से मैं मुस्कुराता हूँ उसके एकॉर्डें के मुताबिक मुस्कुराता हूँ बिल्कुल फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल होती है एक तस्वीरी एक नुमाइशी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर होती है जो कि कतई तौर पर जेन्युन नहीं होती जो कि कतई तौर पर रियल नहीं होती जो कि कतई तौर पर कर्टियस नहीं होती एंड आई हैर्न टू टू लिथ ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय आई मीन गुड रेडन्स टू सेट मेट यू विदाउट बींग ग्लैड एंड टू से वो कहता है मैंने ये भी सीख लिया है कि मैं जब हंसूं तो कैसे हंसूं सिर्फ अपने दांत दिखाने के लिए और जब मैं हाथ में लाऊं मुसाफाह करूं तो उसमें कतई तौर पे मेरी कोई फीलिंग शामिल ना हो मैं भी ये सब सीख चुका हूं एंड आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय और मैंने ये भी सीख लिया कि मैं लोगों को बोलूं गुड बाय लेकिन जब मैं गुड बाय बोलता हूं खोखले दिल से तो वो ऐसा साउंड करता है जैसे मैं कह रहा हूं गुड रिडेंस यानी कि अच्छा है जान छुटी क्या आजाब था मेरे सर पे यार अच्छा वह तुम गए जिससे ग्लेट टू मीट यू मैंने ये भी कहना सीख लिया कि आपसे मिलकर खुशी हुई जबकि कोई खुशी नहीं होती एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू और मैंने ये भी कहना सीख लिया कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हालांकि बात करके मैं क्या हो जाता हूं बोर हो जाता हूं यानी कि इतनी हिपोक्रेसी इतनी मुनाफ्त कि मेरी फीलिंग्स कुछ और है मेरे लव्स कुछ और है मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा मैं कह रहा हूं कि आपसे मिलकर अच्छा महसूस हुआ मैं आपको जो है गुड बाय नहीं कहना चाह रहा ठीक है लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है तो ये सारी चीजें मैंने भी मुआशे से सीख ली है जो कल्चरल करप्शन आई है सोसाइटी में पोइट कह रहा है वो मेरे अंदर भी आ चुकी है मैं भी सीख चुका हूं बट बिलीव मी सम आई वॉन्ट टू बी आई व्यूज टू बी वेन आई वॉज लाइक यू i want to unlearn all these muting things most of all i want to relearn how to laugh for my laugh and the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs wo kehta hai lekin yakeen karo beta मैं चाहता हूं मैं पुराने जैसा हो जाऊं जैसे पहले था बिल्कुल real, बिल्कुल genuine, मुकम्मल तौर पे courteous. जब मैं तुम जैसा था मैं उस जैसा होना चाहता हूं क्योंकि तुम छोटे हो तो तुम में यह सारी की सारी हिपोक्रेसी नहीं आई है मुनाफ्त नहीं आई है मैं तुम जैसा होना चाहता हूं मैं वापस वैसे ही होना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं भूल जाऊं तमाम उन म्यूटिंग थिंग्स को जो कि इन तमाम तरह अच्छाइयों को दबा रही है इन तमाम तरह अच्छाइयों को खत्म कर रही है सबसे ज्यादा अहम मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा सीख जाऊं हाउ टू लाफ कि मुझे कैसे हंसना है एंड फॉर माई लॉफ एंड मदर क्योंकि जो मेरी हसी है जिसे जब मैं में देखता हूँ like तो सिर्फ दांत दिखते हैं दांत कैसे दिखते हैं साले खोखले दांतों की तरह जहरीले महसूस होते हैं क्योंकि उन दांतों में अः का दिखना जो है वो खुशी का सबब नहीं होता बल्कि वो तो मुनाफकत का सबब होता है मकसद का सबब होता है किसी सेल्फिश uh, मोटिव का सबब होता है लास्ट सो शो मी सन हाउ टू लॉफ शो मी हाउ आई यूज टू लॉफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू तो बेटे मुझे दिखाओ मुझे सिखाओ कैसे मैं हंसू मुझे बताओ कि मैं कैसे हंसा करता था कैसे मुस्कुराया करता था Once upon a time when I was like you, वो एक वक्त था जब मैं तुमसा था जब मुझ में मुनाफिकत नहीं थी जब मैं फेक नहीं था, जब मैं रियल मेरा रवैया था वैन आई वॉज क्रटियस विद पीपल जब मेरा रवैया जो था वो लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे ऑनेस्ट था तो मैं चाहता हूं कि मैं उसी दौर में चला जाऊं और वैसा ही बन जाऊं ताकि मैं इस उलझन से निकलूं इस मुनाफ्त की दुनिया से निकलूं जो कि मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही है दट एंड ऑफ द पोइम एंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कोई सवाल है तो जरूर पूछें फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा असलकम अल्लाह हाफिज